बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज क्लास वन का मैथ का हमारा 28th लेक्चर है। पेज नंबर 62 से स्टार्ट करेंगे हम। जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 62 पे एडिशन दी गई है। हमने टेंस में एडिशन करनी है। ये एक जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है, ये पूरा एक ब्लॉक जो है ये टेंस का ब्लॉक है। इसको हम 110 काउंट करते हैं। इसी तरह से ये नेक्स्ट है, इसको भी हम 110 काउंट करते हैं। देन इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 20। देन आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपको आगे एक अबॉकस दिया गया है जिसमें आपने बीड्स को ड्रॉ करना है। ये टी फॉर टेंस एंड ओ फॉर वंस। आपने देखना है जितने टेंस हैं टेंस की लाइन में उतने बीड्स ड्रॉ करेंगे, और जितने वंस हैं वहाँ पर आप वंस काउंट करेंगे और बीड्स ड्रॉ करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। ए वाला क्वेश्चन दिया गया है 1, 2, 3। हमारे पास 3 टेंस के ब्लॉक्स हैं, इट्स मीन्स इट्स 30। तो यहाँ पर 30 उन्होंने खुद से राइट किया है। प्लस हमने क्या करना है, ये नेक्स्ट 2 ब्लॉक्स दिए गए हैं, ये 2 टेंस हैं, तो ये होगा 20। 30 प्लस 20। यहाँ भी आपको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी क्वेश्चन दिया गया और वर्टिकल फॉर्म में भी। पहले हम वर्टिकल फॉर्म में देख लेते हैं। 0 में जब हम 0 को ऐड करते हैं तो इसका आंसर 0 ही होता है, यहाँ पर 0 राइट करेंगे। 3 में 2 को ऐड करना है तो 5, तो हमारा आंसर है 50। आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी यहाँ पर 50 राइट करेंगे। 30 में जब हमने 20 को ऐड किया तो आंसर आया 50। नेक्स्ट बी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 1, 2, 3, 4। 4 टेंस के ब्लॉक्स हैं, इट्स मीन्स इट्स 40। 40 खुद से राइट किया हुआ उन्होंने। नेक्स्ट काउंट करते हैं हम 1, 2, 3, 4। ये भी 4 ब्लॉक्स हैं तो ये भी 40 है। 40 में जब हम 40 को ऐड करते हैं तो हमने यहाँ पर ब्लॉक में आंसर ऐड करना है। पहले हम वर्टिकल फॉर्म में ऐड करेंगे। 0 में 0 को ऐड करें तो 0, 4 में 4 को ऐड करें तो 8, तो हमारा आंसर है 80। यहाँ पर भी आप 80 राइट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास सी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, उसमें काउंट कर लेते हैं। हमारे पास 10 का 1 ब्लॉक है तो यहाँ पर 10 राइट किया। नेक्स्ट काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 ब्लॉक्स हैं तो इसका मतलब 70। यहाँ पर 70 राइट किया। 10 में हमने 70 को ऐड करना है। 0 में 0 को ऐड करें तो 0, 7 में 1 को ऐड करें तो 80, तो हमारा आंसर है 80। यहाँ पर आप 80 राइट करेंगे। डी वाला क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी हम काउंट करें 1, 2, 2 ब्लॉक्स है तो 20 प्लस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ब्लॉक्स है तो 60। 20 में 60 को ऐड करते हैं, 0 में 0 को ऐड करें तो 0, 6 में 2 को ऐड करें तो 8, तो हमारा आंसर है 80। यहाँ पर भी 80 राइट करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस पेज का, ई क्वेश्चन है हमारा। जी स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये उन्होंने काउंट करके लिखा हुआ है, फर्स्ट वाले ब्लॉक्स जो हैं वो 5 हैं तो 50, ये 4 ब्लॉक्स हैं तो 40। 50 में 40 को ऐड करना है, 0 में 0 को ऐड करें तो 0, 5 में 4 को ऐड करें तो 9, तो हमारा आंसर है 90। यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आप 90 ऐड कर देंगे। नेक्स्ट पेज नंबर 63 है स्टूडेंट्स हमारा। जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 63 पे भी हमें सेम वैसे ही क्वेश्चंस दिए गए हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पर जो टेंस एंड वंस दिए गए हैं इनको काउंट करना है, उनको ऐड करना है। देन जो आपका आंसर आएगा वो आपने यहाँ पर टेंस और वंस में राइट कर देना है, और अबॉकस में आपने बीड्स को ड्रा करना है। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन उन्होंने किया हुआ है, 1, 2, 2 टेंस थे तो यहाँ पर 2 राइट किया। वंस भी हमारे पास 2 थे तो यहाँ पर 2 राइट किया, तो ये 22 बन गया। इसी तरीके से नीचे आएंगे, 1, 2, 3 टेंस हैं तो यहाँ पर आपने 3 राइट किया। 4 वंस हैं तो यहाँ पर 4 राइट किया, तो ये बन गया 34। देन आपने इन दोनों को अब ऐड करना है। 4 में जब हम 2 को ऐड करते हैं तो आंसर आता है 6। इसी तरीके से 2 में 3 को ऐड करें तो 5, तो हमारे पास आंसर जो है वो आया है 56। 56 में आपके पास टेंस कितने हैं, टेंस के नीचे देखें 5 है तो 5 टेंस हैं। इसी तरीके से वंस के नीचे देखें 6 है तो हमारे पास 6 वंस हैं। अब ऑकस में आपने इसी तरीके से बीड्स ड्रॉ कर देने हैं। टेंस में आपने 5 बीड्स ड्रॉ करने हैं और वंस में 6 बीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1, 2, 3, 4। 4 वंस थे तो 4 टेंस हैं तो यहाँ पर 4 राइट किया। वंस 1 है तो यहाँ पर 1 राइट किया। इसी तरह से नीचे आ जाते हैं, 1, 2, 3। 3 टेंस थे तो यहाँ पर 3 राइट किया। 5 वंस हैं तो यहाँ पर 5 राइट किया, तो हमारे पास सम बना है 41 में आपने 35 को ऐड करना है। जब हम 5 में 1 को ऐड करते हैं तो आंसर आता है 6। इसी तरह से 4 में 3 को ऐड करें तो 76। देन आपने क्या करना है, आपके पास आंसर आया है 76। टेंस के नीचे देखें 7 है तो यहाँ पर 7 राइट करेंगे। वंस के नीचे 6 है तो यहाँ पर 6 राइट करेंगे। और अब बॉक्स में आपने टेंस में 7 बीड्स ड्रॉ करने हैं और वंस में आपने 6 बीड्स ड्रॉ करने हैं। नेक्स्ट बी क्वेश्चन देख लेते हैं।
इसमें भी वैसे ही करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 times थे तो यहाँ पर 5 राइट किया, 1 2 3, 3 once है तो 3 राइट किया। नेक्स्ट काउंट करते हैं, 1 2, 2 times हैं तो 2 राइट किया, 1 2 3 4, 4 once है यहाँ पर हमने 4 राइट किया, तो हमारा सम बन गया 53 plus 24। 4 में जब 3 को ऐड करें तो 7, 5 में 2 को ऐड करें तो 7, हमारा आंसर है 77। टेंस के नीचे देखे 7 है तो यहाँ पर आप 7 राइट करेंगे, वंस के नीचे 7 है तो यहाँ पर 7 राइट करेंगे। इसके अलावा आप यहाँ से भी काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7, 7 टेंस है तो 7 राइट कर दें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वंस है तो 7 राइट कर दें। इसी तरह से आपने बॉक्स में बीट्स को ड्रा कर देना है। नाउ टर्न द पेज, इट्स पेज नंबर 64। जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 64 पे भी सेम वैसे ही क्वेश्चन दिए गए हैं, आपने इनको काउंट करके ऐड करना है, जो आंसर आएगा उसको इन बॉक्सेस में राइट करना है और यहाँ पर आपने सम बनाना है और उसका आंसर यहाँ पर भी राइट करना है, साथ में आपने बॉक्स में बीट्स ड्रॉ करने हैं। इसी तरह के क्वेश्चन मैंने आपको पीछे कराए हैं, ध्यान से आप लोगों ने ये क्वेश्चन करने हैं। कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।